बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। कायर मुनव्वर राणा साहब के ये शेर सिरसा के पूर्व विधायक गोपाल कांडा पर मौजूदा समय में बिल्कुल सटीक बैठते हैं। एक समय पर हरियाणा के गृह राज्य मंत्री रहे गोपाल कांडा आज 7000 से ज्यादा वोटों से हार गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूँ शुभांगी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास शो कौन है मैं। आज बात उस राजनेता की जिसने अपने सफर की शुरुआत जूते बेचने से की, एक समय बाद राज्य के महत्वपूर्ण मंत्री पद पर विराजमान हो गए। दरअसल गोपाल कांडा हरियाणा की सिरसा सीट से मौजूदा विधायक हुआ करते थे, पर हाल ही में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उन्हें मौजूदा से पूर्व बना दिया। गोपाल के पिता मुरलीधर शहर के जाने माने वकील थे। गोपाल कांडा ने 90 के दशक में एक रेडियो रिपेयर की दुकान जुपिटर म्यूजिक होम खोली थी, पर उन्हें ये काम समझ नहीं आया। इसके बाद गोपाल ने भाई के साथ मिलकर नया काम कांडा शू शॉप शुरू किया। इस दौरान गोपाल ने नेताओं अफसरों से मिलना जुलना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने नेताओं और अधिकारियों से अपनी नजदीकी बढ़ा ली। अब गोपाल की शू फैक्ट्री चल रही थी। इसी बीच गोपाल चौटाला परिवार के करीब आने लगे। 1999 आते आते गोपाल सिरसा का जाना माना नाम बन गया। साल 2004 के बाद कांडा बंधुओं का कारोबार फैल गया, वो भी इतना कि साल 2007 में कांडा ने पिता के नाम पर MDLR मतलब मुरलीधर लखराम नई एयरलाइंस की भी शुरुआत की। हालांकि दो साल बाद 2009 में एयरलाइंस को बंद कर दिया गया। इसी साल गोपाल कांडा की राजनीति में एंट्री हो गई। गोपाल कांडा ने सिरसा से निर्दलीय चुनाव लड़ा और बड़ी आसानी के साथ जीत हासिल की। इसके बाद वो हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री बने। 5 अगस्त 2012 को उनकी एयरलाइंस की एयर होस्टेस गीतिका ने आत्महत्या की। सुसाइड नोट में कांडा पर आरोप लगाए। गोपाल कांडा ने साल 2012 में एयर होस्टेस गीतिका शर्मा मामले में फंसने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जेल चले गए। जेल से छूटने पर गोपाल कांडा ने हरियाणा लोकहित पार्टी बनाई, लेकिन 2014 में वो चुनाव हार गए। इसके बाद 2019 में सिरसा से चुनाव जीता और बीजेपी को समर्थन दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2023 में गीतिका मामले में गोपाल कांडा और दूसरे आरोपी अरुणा चड्डा को बरी कर दिया। मौजूदा समय में गोपाल कांडा के नाम कई कारोबार है। कुछ जानकारों की माने तो कांडा का नाम कसीनो से भी जोड़ा जाता है। इसी के साथ ही वो रियल एस्टेट के किंग कहे जाते हैं और हरियाणा की राजनीति में गोपाल कांडा का नाम बड़ा ही हलचल मचाता रहा है। इन सबसे इतर आज बेशक हम गोपाल कांडा को अमीरों की लिस्ट में शामिल करें, पर हम उनके संघर्षों को कभी दरकिनार नहीं कर सकते। देश और दुनिया के बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज 15। नमस्कार।